Egypt International Air Show 2024। तो जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि एक बार फिर से भारत के हथियारों ने कई मुस्लिम देशों को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार भारत ने इजराइल बॉर्डर के पास में ही अपने हथियारों की ताकत दिखाई है और अब कई देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। क्योंकि ये खबर आई है इजराइल के ही पड़ोसी देश इजिप्त से, क्योंकि इजिप्त के बॉर्डर के पास में ही इजराइल इस समय हमास के साथ एक बड़ा युद्ध लड़ रहा है। अब यहीं पर भारत अपने फाटे जेटों के साथ साथ मिसाइलों को भी उतारा है। अब आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे आखिर भारत ने इजिप्त के अंदर ऐसा क्यों किया है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि इंडिया मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच एट इजिप्त इंटरनेशनल एयर शो 2024, यानी कि भारत ने इजिप्त में चल रहे इंटरनेशनल एयर शो 2024 के दौरान एक बार फिर से अपने हथियारों की छाप छोड़ दी है और कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि इसी एयर शो में शामिल होने के लिए भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिसाइलों को भी भेजा है और ये इंटरनेशनल एयर शो इजिप्त का पहला एयर शो है और इस एयर शो का आज तीसरा दिन है और इजिप्ट के पहले ही एयर शो को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इस एयर शो में 15,000 से भी ज्यादा विजिटर अब तक आ चुके हैं। इसलिए भारत ने भी बड़े पैमाने पर अपने कई हथियारों को इजिप्त के इस इंटरनेशनल एयर शो में भेजा और भारत के इन हथियारों ने इजिप्त में एक नई छाप छोड़ दी, क्योंकि इस बार भारत ने एक नहीं बल्कि अपने कई एडवांस और मॉडर्न हथियारों को भेजा है और भारत ने अपनी बढ़ती एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, जिसमें भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने भी हिस्सा लिया है। क्योंकि इस समय भारत LCA तेजस मार्क 1A पर काम कर रहा है, जिसकी टक्कर पर पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 कहीं नहीं टिकता। हालांकि भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका इस फाइटर जेट के लिए इंजन सप्लाई नहीं कर रहा और अभी तक HAL तेजस मार्क 1A की भारतीय वायुसेना की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाई। हालांकि अभी भी भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए पहले इंटरनेशनल कस्टमर का इंतजार कर रहा है। कई देश भारत के तेजस में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। वहीं तेजस के साथ साथ भारत ने इस एग्जीबिशन में अस्त्रा मार्क 1A एयर टू एयर मिसाइल को भेजा है, जो भारत के एक खतरनाक स्वदेशी मिसाइल है और भारत ने अस्त्रा मार्क 1A मिसाइल का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। और तेजस और अस्त्रा मिसाइल के साथ साथ भारत ने आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी भेजा है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए इजिप्त काफी एक्साइटेड है। अपने मिलिट्री एग्जीबिशन में भी भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट शो कर चुका है, क्योंकि आकाश भारत का शॉर्ट रेंज का एक खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं भारत ने सरफेस टू एयर वेपन साव के साथ साथ हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इजिप्त भेजा है और इन सभी हथियारों को भारत द्वारा इजिप्त के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज को ऑफर किया गया है और अफ्रीकन देशों को भारत बड़े पैमाने पर टारगेट कर रहा है, इसलिए इजिप्त में एक बार फिर से भारत के हथियारों ने धूम मचा दी। फिलहाल देखना होगा कि भारत कोई डील कर पाता है या फिर नहीं। और अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।